नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 इंटरटेनमेंट। अलग अलग तरीके की चर्चाएं, अलग अलग तरीके के विषयों पर बातचीत हम शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ आज जो हैं वो गौहर हयात जी हैं, प्रखर लेखक और विचारक हैं। तो इनसे आज हम बात करेंगे राफेल के मुद्दे पे, क्योंकि राफेल का मुद्दा इस समय इतना विवादास्पद हो चुका है कि मोदी सरकार अब जाने वाली है अगले इलेक्शन में और अगला आम चुनाव होने वाला 2019 का कुछ ही महीनों बाद, लेकिन राफेल जो है एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा है कि जो मोदी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा धब्बे के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसा कि वो फोर्स स्कैंडल राजीव गांधी के रिजीम में या इस तरीके के हुआ, मोदी सरकार के जैसे वाजपेयी सरकार में भी ताबूत घोटाला हुआ, उसके बारे में बहुत चर्चा हुई और अक्षय घोटाले बहुत तरीके के हुए, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे, बहुत उसमें विवादास्पद चीज़ें हुई, उसी तरीके से मोदी सरकार के कार्यकाल में ये जो राफेल का मामला है वो खासा विवादित रहा है और इतिहास के पन्ने में राफेल जो है, राफेल विवाद मोदी सरकार के साथ जुड़ा रहेगा। तो इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम और गौहर जी से हम पूछते हैं कि राफेल विवाद को आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, राफेल विवाद की बात आपने कही तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत मशहूर कहावत है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी भारी बहुमत लेके आए, सरकार बनाए, लेकिन अपने सरकार के आखिरी कार्यकाल में उन्होंने बोफोर्स का सौदा किया और उस बोफोर्स सौदे को लेकर जो आरोप उन पर लगे वो आज मृत्यु के बाद भी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है और उनके वारिस जो रह गए हैं वो वारिस भी आज भी बोफोर्स के ताने उनको दिए जाते हैं। राफेल भी देखिए वैसे ही हुआ, मोदी सरकार बहुत आशाओं के साथ, भारी बहुमत के साथ, स्पष्ट बहुमत के साथ आई, बहुत उम्मीदें लेकर लोगों ने वोट दिया और इनके कार्यकाल के आखिरी समय में एक सौदा हुआ लड़ाकू हवाई जहाज़ का और उस पर विवाद छिड़ गया। और राफेल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि राफेल की खरीद की प्रक्रिया यूपीए के कार्यकाल में ही प्रारंभ हो गई थी। मिग और सुखोई जो हमारे पुराने लड़ाकू विमान थे वो पीढ़ीगत रूप से वो अब पुराने हो चुके हैं, तो वायुसेना की जो आवश्यकता है वो एक उन्नत लड़ाकू जहाज़ की है और वो उसी समय से, कारगिल युद्ध के समय से ये आवश्यकता बनी हुई है और सरकार ने ख़रीद की प्रक्रिया शुरू की और इस बीच में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई और मोदी सरकार ने इस राफेल ख़रीद को फाइनली जो है अंजाम तक पहुंचाया। तो राफेल मुद्दे में कहीं ना कहीं सबसे विवादास्पद जो पहलू जुड़ा है वो ये है कि जब यूपीए सरकार थी तो उन्होंने 126 विमानों के लिए डासो से जो एग्रीमेंट किया था उसमें HAL के साथ काम करना था उसको, लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आती है उसने फटाक से वो चीज़ें चेंज की और HAL बाहर हो गई और अनिल अंबानी की जो कंपनी थी वो उसमें आ जाती है, एंटर कर जाती है ऑफसेट पार्टनर के तौर पे। तो क्या ये जो कवायद है वो ये बता रही है कि HAL इसको निर्माण करने में सक्षम नहीं थी, अनिल अंबानी की कंपनी सक्षम थी, या किसी विशेष औद्योगिक घराने या औद्योगिक व्यक्ति को फायदा देने के लिए ये पूरी कवायद की गई मोदी सरकार की ओर से? देखिए, अब ये जो सवाल है, देखने में जो आप कह रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर सरसरी तौर पर देखें तो जो बातें आप लोग कह रहे हैं, आप या राहुल गांधी, उसके आधार पर तो यही लगता है कि ये औद्योगिक घराने को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन ये बात तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगी कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और जो सरकार कह रही है उसमें कितना तथ्य है। जहां तक बात HAL के क्षमता की है तो HAL हमारे भारत सरकार का उपक्रम है, सार्वजनिक क्षेत्र का, और वो इस तरह के उत्पादन पहले भी कर चुका है रक्षा संबंधी, और अभी भी मिग और सुखोई जिसकी तकनीक आउटडेटेड हो गई है और उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए भी पार्ट्स जो है
एचएल बना रहा है और उन जहाज़ों को अब तक रनिंग रखे हुआ है, तो एचएल के तकनीकी रूप से सक्षम नहीं होने की बात कहना तो सही नहीं होगा। और जहाँ तक अनिल अंबानी की कंपनी की बात है, तो जैसा अभी तक मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं छनकर, उनको देखने से तो यही लगता है कि उस डील के समय तक जब ये कंपनी अभी कागज़ ही पर थी, और न सिर्फ कागज़ पे थी बल्कि उसको ज़मीन का अलॉटमेंट जहाँ वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं नागपुर में, ज़मीन का अलॉटमेंट भी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अभी हाल फिलहाल किया है, तो ऐसी हवाई सूरत में उस कंपनी को अगर ऑफसेट पार्टनर दशा ने बनाया है तो ये कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश तो पैदा करता। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यूपीए के रिजीम में 126 विमानों का जो करार हुआ था वो मोदी सरकार में 36 विमानों का आ गया। उसमें अब ये कहा गया, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि वो जो 36 विमान हैं वो वेल इक्विप्ड होंगे, लेज़र वो उसमें परमाणु बम ले जाने की क्षमता होगी और गाइडेड मिसाइल्स होंगे और बहुत सारी टेक्नोलॉजी होगी जो 136 विमानों में नहीं थी। तो क्या 126 विमान जो करार थे यूपीए में वो कम उन्नतशील थे, और ये जो 36 लिए जा रहे हैं वो क्या 126 के ऊपर भारी पड़ेंगे? मतलब इसका जो समीकरण है, जो गणित है, वो क्या है दरअसल? ये एक दलील तो मोदी सरकार अपने बचाव में दे रही है कि जो 36 जहाज हम खरीद रहे हैं वो सिर्फ यही दलील नहीं है कि वो वेल इक्विप्ड होंगे और रक्षा तकनीक के हिसाब से आज के दौर के हिसाब से होंगे, लेकिन 126 और 36 में बहुत अंतर होता है। और इसी अंत यहाँ देखिए दो पहलू है, एक तो कि जहाज़ों की संख्या जो यूपीए के समय में डील की गई थी वो 126 जहाज़ों की थी और वो 500 करोड़ रुपए में एक जहाज़ ले रहे थे, और ये 36 जहाज़ ले रहे हैं और 1600 करोड़ रुपए में एक जहाज़ ये ले रहे हैं। यहाँ एक बात ये भी देखने की है कि मनमोहन सरकार उस जहाज़ को सिविल एविएशन के लिए तो नहीं खरीद रही थी, अपने डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए खरीद रही थी। तो क्या उसने समझौता किया होगा कि वो एक लड़ाकू जहाज़ में उन्नत तकनीक ना हो, या फिर आक्रमण के हिसाब से उसमें जो है हथियार जो क्षमताएँ ना ले जाने की क्षमताएँ ना हो या मारक ना हो, वो तो उसमें भी वो खूबियाँ रही होंगी। हाँ, मोदी सरकार ने एक दो खूबियाँ और उसमें ऐड की होंगी, लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो जाएगी ये समझ में नहीं आती। अच्छा, उसमें जब ये पूरा विवाद संसद में जब चलना शुरू हुआ, जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार हमला करने लगे, तो उसमें आप एक देखेंगे कि मोदी सरकार का बचाव जो है वो वित्त मंत्री कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय की जगह, तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, पिछले दिनों देखा गया कि राहुल गांधी इस शीतकालीन सत्र में जब से रफाल का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, इसके पहले के भी सत्र में जब उन्होंने मुद्दा उठाया था तो प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था, और इस साल के शुरू में आपने देखा, साल के पहले दिन दिए हुए अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि इसमें मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, सरकार के ऊपर है और सरकार इसका जवाब दे रही है। और संसद में हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि राहुल गांधी के वक्तव्य का जवाब जो है अरुण जेटली जी ने दिया है, यहाँ तक कि उसमें हस्तक्षेप का जब सवाल आया गोवा के कैबिनेट मिनिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग को प्ले करने के संबंध में, तो ऑब्जेक्शन भी अरुण जेटली जी ने किया। अरुण जेटली जो राज्यसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य भी नहीं हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप एक चीज़ देखिए कि उसी लोकसभा में रक्षा मंत्री भी हैं, उसी लोकसभा में प्रधानमंत्री भी हैं, उसी लोकसभा, तो ये आश्चर्यजनक पहलू है कि आखिर मतलब अरुण जेटली साहब को बचाव में क्यों आना पड़ा, जबकि ये इसका रक्षा मंत्रालय से वित्त मंत्रालय से इसका कोई लेना देना था ही नहीं कहीं से भी, और जेपीसी की मांग को भी दरकिनार कर दिया। जब विपक्ष ने ये कहा कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं वो जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए,
तो सरकार की ये दलील है, मोदी सरकार की ये दलील है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम जांच की गुंजाइश से इनकार नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसी संस्था कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम इसकी जांच कर सकें। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकार के रूप में अपने आप को सक्षम नहीं माना कि इसके जांच के विषय में वो किसी किस्म का ऑर्डर पास करें, तो जाहिर सी बात है कि निर्णय उन्होंने सब फिर सरकार के पाले में गेंद डाल दी। और जब सरकार और शीतकालीन सत्र चल रहा है और जब इस मुद्दे पर गतिरोध कायम है, तो ये फैसला तो सरकार को करना होगा कि इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराई जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच की जहां तक बात है, तो हम यहां पर बताना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि अब तक जितनी भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जाँच हुई है संयुक्त संसदीय समिति की, उन संयुक्त संसदीय समिति के जांच के निष्कर्षों का अनुपालन नहीं हुआ है। और एक बहुत दिलचस्प और मज़े की बात इसमें ये भी है कि जिस सरकार ने भी किसी विवाद की स्थिति में जेपीसी का गठन किया है, संयुक्त संसदीय समिति से इसके जांच की सिफारिश की है, तो किसी भी विवाद की, हाँ, कि किसी भी विवाद की के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की कोशिश बनाई है, उस सरकार को अगले चुनाव में खेत जाना पड़ा, हार जाना पड़ा है। तो हो सकता है कि हार का ये स्वाभाविक डर भी इस सरकार को बेचैन कर रहा हो और इसलिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन नहीं हो रहा हो। नहीं, लेकिन देखिए एक और चीज़ है, पिछले 28-30 सालों के बाद जिस प्रचंड बहुमत से 2014 में हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी आते हैं, तो उसमें तो ये गुंजाइश कम लगती है कि पता चला कि उनको इस तरीके का डर हो। अब मसला ये है कि संसद में, चूँकि जेपीसी में इस तरीके के विपक्ष के लोग भी शामिल होंगे, पक्ष के लोग भी शामिल होंगे, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको रखने होंगे, दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, तो वहां पे उनको फैक्ट रखना होगा। वो फिर ये जैसे सीक्रेसी मेंटेन का जो एक शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि गोपनीयता है और इसमें हम बता नहीं सकते, या इवन आप वो डील कितने में हो रही है ये भी बताने से इनकार कर रहे थे कई बार, कि इतने में डील हुई, नहीं जी इतने में डील हुई हम ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये फ्रांस सरकार के साथ ये करार है, ये गोपनीयता की शर्त है कि हम कितने पैसे में खरीद रहे हैं ये हम आप लोग, मतलब भारत के लोगों को नहीं बता सकते या संसद को नहीं बता सकते। तो कहीं ना कहीं इसमें शायद एक डर है। जहाँ तक गोपनीयता की क्लॉज की बात है, इस पर भी काफ़ी दिनों से जो है अलग अलग सूत्रों से रिपोर्ट आती रही है। फ्रांस की सरकार, जैसे राहुल गांधी का दावा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात में फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें गोपनीयता जैसी कोई बात नहीं है और उनको कोई एतराज़ नहीं है कि सरकार इसकी जांच कीमत को डिस्क्लोज कर दे। लेकिन अपने रक्षा हितों का की दुहाई देते हुए बीजेपी सरकार ये कह रही है कि साहब इसमें रक्षा हित से जो है समझौता करना पड़ेगा अगर इसकी कीमतों को हम डिस्क्लोज करते हैं तो। कीमतों से रक्षा हित का समझ में नहीं आ रहा, ये जो पेच है कि रक्षा हित प्रभावित होंगे और हम इतने रुपए में ये डील कर रहे हैं, ये जो पेच है ये क्या है? सरसरी तौर पे देखें तो सही आपका कहना है कि कीमत से क्या, कीमत बताने से क्या नुकसान हो जाएगा। कीमत बताने से नुकसान ये होगा कि कोई शत्रु देश जो है या जो भी है वो उस जहाज की क्षमता का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उसमें किस तरह की आर्मरी लगाई गई है, कैसे उसको इक्विप्ड किया गया है, इसका अंदाज़ा तो कीमत से लगा सकते हैं। क्योंकि कोई भी सार्वभौमिक जो देश होगा वो अपने रक्षा खरीद के लिए अलग अलग चीज़ों का मूल्यांकन करता है, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस जहाज़ की कीमत का। तो इसे संसद में बताने में या संसदीय समिति के सामने रखने में या इस तरीके की समिति बना के वो तो कर सकते हैं, उसमें तो कोई, उसमें मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विद्रोही है कि जो इसको लीक करे। हाँ, संसद से मुंह चुराने वाली बात समझ में नहीं आती है। संसद की जो स्थिति है भारत के लोकतंत्र में, उसमें यह स्पष्ट है कि सब कुछ आपको जो है विधायिका के सामने स्पष्ट करना होगा, तो सरकार को इससे मुंह नहीं चुराना चाहिए। और जेपीसी का गठन करके और वहाँ पर राफेल डील से जुड़े हुए तमाम डॉक्यूमेंट्स
रखे जाने चाहिए। इसमें प्रभावशाली पक्ष ये है कि जब कुछ ही दिनों पहले जब कथित तौर पे एक बयान आता है गोवा के एक मंत्री का कि कैबिनेट की स्टेट कैबिनेट की मीटिंग में मनोहर पर्रिकर शायद साहब ने जो सीएम है वहाँ के और जब राफेल डील चल रहा था उस समय रक्षा मंत्री थे भारत के कि उन्होंने एक बयान दिया कथित तौर पे, ये हम नहीं कह रहे हैं, हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उनके बेडरूम में राफेल से रिलेटेड सारे दस्तावेज पड़े हुए हैं। तो ये जो बयान है ये इसकी क्या राजनीतिक परिदृश्य में आप इस बयान को कैसे देखते हैं? ऐसी स्थिति में जबकि संसद का शीतकालीन सत्र जो है जारी है, इस रिकॉर्डिंग ने तो उथल पुथल तो जो मचानी थी सो मचा ही दी है। ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है गोवा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर विश्वजीत राणे और किसी अन्य के जिसका नाम जो है डिस्क्लोज नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग बताई जा रही है जिसका आधिकारिक रूप से खंडन किया विश्वजीत राणे ने भी और मनोहर पर्रिकर ने भी। और इस रिकॉर्डिंग में ये बात समझ में आती, विश्वजीत राणे जो है किसी अनाम व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में मनोहर पर्रिकर को ये कहते हुए सुना गया कि राफेल खरीद मामले के सारे दस्तावेज उनके बेडरूम में रखे हुए हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और अगर हम देखें तो मनोहर, जैसा कि आप जानते हैं कि मनोहर पर्रिकर स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसी परिस्थिति में भी बीजेपी का वहाँ एक फुल टाइम चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति नहीं करना ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और अगर ऑडियो की पुष्टि तो जाहिर सी बात है कि कोई सक्षम जांच एजेंसी ही करेगी, कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही बताएगा कि इससे कोई छेड़छाड़ हुई है कि नहीं, जैसा कि विश्वजीत राणे दावा कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ अगर देखी जाएँ तो ये ज़रूर इंगित कर रही हैं, जैसे गोवा के राजनीतिक हालात, ये कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अच्छा, इस राफेल डील में एक और बहुत मुख्य रूप से एक बिंदु उभर के आया है, वो भाजपा की ओर से या सरकार की ओर से, कि ये आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राफेल वाले मामले में जब यूपीए के समय में रिजीम में ये चल रहा था तो रॉबर्ट वाड्रा का कनेक्शन इससे जोड़ा जा रहा है, जो गांधी फैमिली में जो प्रियंका गांधी के पति हैं और जो जिनको बार बार भाजपा की ओर से कहा जाता है कि दामाद जी और इस तरीके की जो चीज़ें हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कि संजय भंडारी के साथ मिलके उनका राफेल में कुछ कनेक्शन था और वो उसको डील को अपने तरीके से मोल्ड कराना चाहते थे, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस की पिछले दिनों की राजनीति अगर हम देखें तो जब भी बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर आक्रमण करना हुआ है तो उसने उनकी सबसे कमज़ोर नस यानी गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर प्रश्न उठाया है। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दो भाइयों में कितनी भी डाह हो, वो अब एक भाई के दामाद की इज्जत दूसरा भाई भी हमेशा करता है और शायद यही कारण रहा कि दोनों सरकारों के यूपीए के बाद एनडीए के चुन के आने पर भी जिस दामाद जी को लेके बीजेपी का पूरा एक नैरेटिव था उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ तक बात है अभी फिर उनके चर्चा में आने का, तो वही कांग्रेस की कमज़ोर नस दबाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से लगता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से उनके नाम का इस्तेमाल किया जाता है, हाँ, कहीं कहीं कांग्रेस को डराने के लिए। कांग्रेस को डराने के लिए और कांग्रेस की कमजोर नस समझ के रॉबर्ट वाड्रा पर आक्रमण किया जाता है। तो इस पूरे मामले में जब देखा जाए तो राहुल गांधी सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने ये सब कुछ किया है। न वो रक्षा मंत्री का नाम ले रहे हैं, न वो और किसी का नाम ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे संलिप्तता में राफेल के प्रधानमंत्री सीधे सीधे एक पर्टिकुलर एक खास व्यक्ति को, एक खास औद्योगिक घराने को इसमें लाभ पहुंचाने के हित से उन्होंने सारे जो कवायद थी वो प्रधानमंत्री ने खुद की है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस ने जब राफेल का मुद्दा उठाया तो शुरू से वो इस बिंदु को पकड़कर बैठी रही कि इसमें जो कुछ हुआ है वो नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ है या नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और वो सिर्फ उन अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से किया गया है।
तो यहाँ पर एक चीज़ हम कहना चाहेंगे जो बहुत जानकारी के लिहाज से दिलचस्प भी है कि जब फ्रांस के दौरे पर इस डील जिस समय ये डील हुआ फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री गए थे तो जैसा कि आप जानते हैं उनके प्रतिनिधिमंडल में पत्रकारों को भी जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उनके तो उस रक्षा संबंधी एक प्रक्रिया के को की का समझौता जहाँ होना है वहाँ पर रक्षा मंत्री प्रतिनिधिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। बताया जाता है कि उस समय वो गोवा में मछली खरीद रहे थे और प्रधानमंत्री के मित्रों में जो प्रमुख नाम अनिल अंबानी का आता है वो उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य थे। अगर आप देखें परिपेक्ष में परिपाटी में आकलन करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे डील में राफेल में कुछ ना कुछ दाल में काला है। हाँ, दाल में काला का ये या फिर पूरी दाल ही काली है ये बात राहुल गांधी ने भी संसद में कही है, लेकिन दाल में कुछ काला है कि दाल ही पूरी काली है कि दाल शुद्ध है पीली है अरहर की ही बनी हुई है ये तो जांच के बाद ही साबित हो पाएगा। तो इस मामले में प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। हाँ, उनका वक्तव्य चीर प्रतीक्षित है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री से या सत्ता दल के नेता से हमेशा ये उम्मीद की जाती है कि किसी भी विवाद के प्रश्न पर या किसी भी विवाद की स्थिति में या फिर कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में सरकार जो है सरकार का जो नेता होता है मुखिया होता है जो कि स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सदन के में खड़ा होता है और अपना वक्तव्य देता है और विपक्ष के या सत्ता पक्ष के जो भी प्रश्न होते हैं उनका समाधान करता है। तो इस मामले में प्रधानमंत्री क्यों सामने नहीं आ रहे हैं ये बात तो समझ में नहीं आती है। हालांकि जिस दिन राहुल गांधी ने संसद के कॉरिडोर से ये सवाल मीडिया में जारी किया कि हमारा आरोप न रक्षा मंत्री के ऊपर है न पूर्व रक्षा मंत्री के ऊपर है, हमारा आरोप तो सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर है और जवाब देने जो है वित्त मंत्री आते हैं, उसके फौरन बाद जो है रक्षा मंत्री ने संसद के पटल पर जो है अपना जवाब रखा और उम्मीद की जाती है कि वित्त मंत्री के बाद रक्षा मंत्री के सामने आई और हो सकता है कि रक्षा मंत्री के बाद शीतकालीन सत्र तो अभी जारी है उसके समाप्ति तक हो सकता है प्रधानमंत्री भी अपना कोई बयान दे। इसका तो ये एक आकलन किया जा सकता है कि राहुल गांधी जो हैं कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो 2019 के चुनाव की तैयारी संसद से कर रहे हैं संसद में कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे मुद्दों का जो जवाब है वो 2019 के रैलियों में देंगे। ऐसा मतलब चूंकि इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जिस तरीके से खामोश हैं जो उनके जो अभी उन्होंने ANI को इंटरव्यू दिया उसमें भी राफेल के ऊपर वो कुछ सीधा सीधा स्पष्ट नहीं उन्होंने बोला। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सब कुछ बचा के रखे हुए हैं अपने पास में, वो उनके जो तर्कश के जो तीर हैं वो 2019 के चुनावी रैलियों में चलेंगे कांग्रेस के ऊपर। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत अफसोस की बात है कि अब तक की स्थापित संसदीय परंपरा का उल्लंघन करते हुए हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री कोई भी ज़रूरी सवाल हो कोई भी ज़रूरी जवाब हो कोई भी ज़रूरी मुद्दा हो किसी भी विवाद की स्थिति हो वो उसका सार्वजनिक रूप से अपनी रैलियों में जो है उस पर टिप्पणी तो करते हैं लेकिन संसद के पटल पर नहीं करते। और तो इस हिसाब से तो यही लगता है कि 2019 के चुनाव में वो अपने तर्कश के बचे हुए तीर इस्तेमाल करेंगे और राहुल गांधी जो हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि दांत पिजाए बैठे हैं वो भी जो है अपना आक्रमण 2019 के चुनावों का मुद्दा भी राफेल ही होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा 2019 के इलेक्शंस आ रहे हैं, हम इस तरीके की परिचर्चा अब लगातार आपके सामने लेके आएंगे तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। News 24x7 एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और इस तरीके के ज्वलंत विषयों पर बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे जिनके जरिए हम आपसे बात करेंगे और आप तक उन मुद्दों को सीधे सीधे सपाट स्पष्ट और बेबाक तरीके से आपके आपके पास में रखेंगे आप तक लेके आएंगे। गौहर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।